हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचा दें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा लें और इसमें मेरा साथ आप लोग भी दीजिए। जितना शेयर करेंगे, जितने लोगों को योग के बारे में बताएंगे, जितने योग को फैलाएंगे, निरोग और स्वस्थ रह सकेंगे, यही हमारा उद्देश्य भी है। धन्यवाद। ओम। अभी हम लोग करेंगे 100 आसन, जैसा कि इसका नाम है 100। 100 माने बोलते हैं मुर्दा, मुर्दा वाली आसन। तो मुर्दा वाली आसन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल देते हैं, जो पैरों का रुख होता है उंगलियों का रुख बाहर की तरफ रखेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, हथेली का रुख आसमान की तरफ रहेगा और सिर को आसमान की तरफ रखेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और आँखों को बंद रखेंगे। तो ऐसा अभी सभी लोग आप लोग लेट जाइए और मैं जैसा कह रहा हूँ सिर्फ मेरी बातों को महसूस कीजिएगा और आंखों को बंद ही रखेंगे। सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, जितना आप लोगों का ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए, आपके ध्यान एकाग्रता के साथ जो मैं बोलूँगा उधर ध्यान आपका जाना चाहिए, तब आपको रिलैक्स मिलेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप लोग अपने घरों पे करते हैं तो इसी प्रकार से अपने ध्यान को दौड़ाएंगे। हमारे बॉडी के अंदर में जितने ऑर्गेन्स हैं, जितनी मांसपेशियाँ हैं, जो हड्डी है, अस्थियाँ हैं, जितना भी है, जो भी हमारा तत्व से बना हुआ शरीर है, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर के बारे में हम सोचेंगे कौन चीज़ कहाँ किस चीज़ से बन रहा है और उसमें कैसे रिलैक्स मुझे मिल रहा है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा हमारी बातों को सुनेंगे और उस पर लागू भी करेंगे। सबसे पहला काम, आप अपने पैर के अंगूठे को देखने का प्रयत्न करें, वहाँ एक लाइट है, वहाँ एक प्रकाश है और वो प्रकाश आपके बॉडी में आपको रिपेयर करने के लिए आया, आपको हीलिंग करने के लिए आया। तो आप किस प्रकार से करेंगे, अपने शरीर को हिलाए डुलाए नहीं, जैसा कि इसका नाम है 100 यानी कि मुर्दे के जैसा, तो आप अपने शरीर को मुर्दे के जैसा ही ना करके रखें। बहुत अच्छा। तो वो जो प्रकाश आप लोग के पास आया है वो अंगूठे में है और वो धीरे धीरे अंगूठा से वो प्रकाश आपके बॉडी में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि सबसे पहले आपका हीलिंग का काम कर रहा है, जो आपके दोनों पैर के पंजे हैं उसको बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है, वहाँ की मांसपेशियाँ आपकी बिल्कुल तनाव मुक्त हो रही है, वहाँ की जितने भी समस्या है आपका एड़ी पंजे से जुड़ी हुई जो भी समस्या है महसूस कीजिए कि वो मेरे हीलिंग हो रहे हैं। आपके सोचने मात्र से ऐसा आपको फायदा मिलेगा। तो आपके एड़ी पंजे को रिलैक्स करते हुए वो प्रकाश ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और आपके पिडलियों के पास वो चला गया, तो आपके पिडली के पास वो प्रकाश आपके शरीर को, आपकी पिडली के पीछे की जो मांसपेशियां हैं उसको वो हील कर रहा है, उसे वो रिपेयर कर रहा है, वहाँ की जो भी नसें हैं, जो भी मांसपेशियां हैं, जो भी अस्थि है उसको बिल्कुल वो रिलैक्स कर रहा है, उसे आप बिल्कुल ढीले गति में छोड़ दीजिए। बिल्कुल देखिए, महसूस कीजिए, जैसा आप महसूस करेंगे कि मैं मेरा पिडली बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है तो आपका हो रहा है, जैसा आप सोचेंगे आपका शरीर वैसा ही काम करता है, तो आपको रिलैक्स मिल गया, वो प्रकाश धीरे धीरे आपके ऊपर बढ़ रहा है और आपके घुटने में वो प्रकाश वो चला आया, आपके घुटने को रिपेयर कर रहा है, वहाँ की मांसपेशियों को वो रिपेयर कर रहा है, आपके घुटने की समस्या को वो दूर कर रहा है, ऐसा पूरा विश्वास और थॉट ऐसा आपका होना चाहिए, ऐसा विचार के साथ आप महसूस करते जाइए और उस प्रकाश को, उस डिवाइन लाइट को देखने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन लाइट जहाँ जहाँ जाएंगे बॉडी में वहाँ वहाँ आपके शरीर को हील करेगा, आपको आराम देगा, आपको तनाव मुक्त करेगा, ऐसा विश्वास के साथ आपके धीरे धीरे वो प्रकाश ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके थाई को वो रिलैक्स कर रहे हैं, थाई की मांसपेशियों को वो बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है, ऐसा पूरा फीलिंग और विश्वास आप रखें कि हमारे थाई बिल्कुल
शिथिल हो गए और वहाँ के जितने भी थकान थे आपने हमने जो दौड़ करके किया, इतने एक्सरसाइज किया, वो सारे थकान को वो दूर कर रहा है उस प्रकाश धीरे धीरे आपके यौनांगों में पहुँच गया और वो यौनांगों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसको वो दूर करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और वो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई जो समस्या है आपकी, वहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार होता है, लेकिन आप अपने मन के द्वारा जो ज्योत को जगाया है, जो प्रकाश को, जो डिवाइन लाइट आपके शरीर के अंदर आई है, वहाँ वो उस प्रकाश में आप अपने शरीर के ऑर्गेन्स को देख रहे हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए एक प्रकाश एक टॉर्च की भांति आपके शरीर को प्रकाशमय बना रहा है, तो आपका जो पेट के अंदर लीवर, किडनी, हार्ट, बड़ी आंत, छोटी आंत, जितनी भी ऑर्गेन्स है आपको वो रिलैक्स कर रहा है और जितनी किडनी की समस्या, बड़ी आंत की समस्या, छोटी आंत की समस्या, गैस, एसिडिटी, जो भी आपकी समस्या है उसे वो हीलिंग कर रहा है। वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत हो रही है और आपके हर कष्ट को दूर कर रही है। इस थ्रॉट के साथ आपका वो प्रकाश धीरे धीरे आपके फेफड़े में आ गई, अनाहत चक्र में, मूलाधार चक्र से होते हुए, स्वाधिष्ठान चक्र से होते हुए, मणिपुर चक्र से होते हुए अनाहत चक्र में वो प्रकाश पहुंच गई और फेफड़े से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या है, श्वास की जो समस्याएं हैं उसको वो दूर कर रही है, उसको रिपेयर कर रही है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हमारे अंदर प्राणवायु सही तरीके से चल रहे हैं और हमारा शरीर बिल्कुल ऊर्जावान हो रहा है। मेरा शरीर में एक पावर, एक शक्ति आ रही है। हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। दोनों फेफड़े हमारे बिल्कुल स्वस्थ हैं। हार्ट हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। मेरे शरीर के गंदे खून हमारे हार्ट में जा रहे हैं और हार्ट से वो गंदा खून फेफड़े में जाकर ऑक्सीजन को मिश्रित कर रहा है और फिर ऑक्सीजन को मिलाते हुए फिर वो खून, ऑक्सीजन रहित खून हमारे हार्ट में आ रहे हैं और हार्ट से फिर वो रिफाइंड कर करके बिल्कुल हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी को हमारा वो ब्लड सप्लाई कर रहा है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, प्राण वायु मिला हुआ है और जिसके वजह से हम बिल्कुल अपने आप को हीलिंग महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। मेरे अंदर बहुत पावर आ रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल निरोग हो चुका है, क्योंकि जिस शरीर के अंदर में प्राण वायु की मात्रा सही तरीके से चलती है वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। तो मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हमारे फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे हार्ट बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस थ्रॉट के साथ आप अपने मन को बनाए रखिए। वो प्रकाश धीरे धीरे आपके दोनों हाथों में आ गया और हाथ से जुड़ी हुई जो भी समस्या आपके है उसको वो कलाई का, कोहनी का, आपके सारे चीज़ को वो दूर करता जा रहा है और आपके हाथों को जो भी तकलीफ परेशानी थी वो प्रकाश वहाँ से वो रिपेयर करते हुए आपके विशुद्धि चक्र में आ गया, आपके गले में आ गई और वो गला को रिपेयर कर रही है। गले से जुड़ी हुई समस्या जो गले में हमारे थायराइड के जो ग्लैंड है उसको रिपेयर कर रहा है, पाराथायराइड ग्लैंड है उसको रिपेयर कर रहा है और उसे रिपेयर करने से हमारे शरीर के अंदर में किसी भी तरह का थायराइड की समस्या नहीं होगी। ऐसा पूरा फीलिंग के साथ हमारे गले से जुड़ी हुई कोई भी समस्या मुझे नहीं होगी, मेरे अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो सारी ग्लैंड आपके सही होंगे और सही हार्मोन्स का उत्पत्ति कर रहा है, ऐसा पूरा फीलिंग करेंगे और धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे दोनों भ्रिकुटी में पहुंच गए, हमारे दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र के पास आ गए और वो आज्ञा चक्र के पास आने के बाद हमारे को सिर्फ वहाँ प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है।
दोनों आँखों के बीच में वो प्रकाश ही परमात्मा है, और वो परमात्मा हमारे शरीर को निरोग रखे हुए हैं। और ऐसा फीलिंग करेंगे आपका जो आकाश तत्व है, जो ब्रेन है, जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं जो आपके सोचने मात्र से वो सही रिलीज कर रही है। आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड सक्रिय हो गया, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर में समस्त हार्मोन्स को वो रिलीज कर रहा है। आपके भूख, प्यास, नींद, निद्रा सब को वो एक्टिवेट कर रहा है। आपके पीनियल ग्लैंड हमारे इससे सक्रिय हो गए। पीनियल ग्लैंड सक्रिय होने से हमारे शरीर के अंदर में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनने लगा है, और मैं उत्साह महसूस कर रहा हूँ। हमारे अंदर एक उत्साह आ रहा है। ये हमारे डोपामाइन हार्मोन्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उसका उत्पत्ति बहुत अच्छे से हो रहे हैं। उससे हमारा शरीर आनंदमय हो रहा है। मैं प्रभु का दर्शन करने के लिए तैयार हूँ। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, और मैं सिर्फ अपने आप को उस प्रभु के साथ जोड़ना चाहता हूँ। हमारे अंदर मेरे शरीर बिल्कुल शिथिल हो गए, मेरे शरीर बिल्कुल दर्द से मुक्त हो गए, हमारे अंदर कोई भी तकलीफ दर्द नहीं रह गया, और हम अपने आप को सिर्फ परमात्मा के पास ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ डिवाइन लाइट को ही देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो हमारा प्रकाश कैसा है, और उससे महसूस कीजिए कि वो प्रकाश कितना अच्छा होगा, जो प्रकाश मेरे शरीर को बिल्कुल निरोग काया बना दिया, बिल्कुल स्वस्थ कर दिए। हमारे शरीर बिल्कुल शिथिल और स्वस्थ हो चुके उस परमात्मा को देखने का चंद सेकंड के लिए आप लोग प्रयत्न कीजिए। आँखों को बंद ही रखेंगे, लेकिन सोएंगे कोई भी नहीं, इसे सौ आसन बोलते हैं। तो आप ऐसा फीलिंग के साथ अगर रात्रि को भी, अगर जिन लोगों को रात्रि को नींद ना आती हो और शरीर में और थकान महसूस होता हो, तो अपने दिनचर्या में रात्रि में भी ऐसा थॉट के साथ, ऐसा विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, और अपने आप को बिल्कुल थकान मुक्त समझेंगे, तनाव मुक्त समझेंगे, आपकी एंजाइटी की समस्या नहीं होगी। और धीरे धीरे क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों का घर्षण कर लीजिए। आप लोग सो तो नहीं गए, आप लोग हाथों का घर्षण करेंगे, अपने अपने आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु, आपके कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, और बाईं करवट लेते हुए उठ करके सभी लोग बैठ जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। हमारे चैनल के लिए अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। ओम।